अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो आप लोगों को जो है बेवकूफ़ समझा जाता है। मेरी बातें आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही फैक्ट है। आपको इंग्लिश आना चाहिए। यदि आपको इंग्लिश नहीं आता तो आपको अनपढ़ समझा जाता है, और यदि आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाता है फिर भी आपको कमज़ोर जो है समझा जाता है। जब तक कि आप इंग्लिश में बात करना ना सीख जाए, आपको इंग्लिश बोलना ना आए और आपको जो है मीनिंग पता ना हो, तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से स्पोकन इंग्लिश आप जो है अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग से शुरू से मैं बताऊँगा कि आप जो है किस तरह से धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपके इंग्लिश बहुत अच्छे से बेहतर हो जाएगा। और यकीन मानिए 7 दिनों में ही आप जो है इतना इंग्लिश अच्छे से बात करना सीख जाएंगे ईजिली, कि आपको लगेगा ही नहीं कि इंग्लिश इतना भी ज़्यादा टफ होता है। बहुत ही आसान से तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप जो है स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और आप सभी को चौंका देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर आप लोग इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे और इंग्लिश को आपको लगेगा कि हाँ इंग्लिश मैंने सीख लिया, अब मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है और अब मैं सबको जवाब दे सकता हूँ, और आपने खुद में कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश में यदि आप बात करना सीख जाएंगे। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आप लोगों का लेवल जो है मैं बढ़ाता जाऊँगा इंग्लिश का। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको जो है नॉलेज होने चाहिए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है मीनिंग आपका, जैसे कि कोई यदि आपको बोल रहा है नथिंग, मतलब आपको कुछ भी पता नहीं रहता है, तो आप लोग क्या सोचते हैं ये क्या बोल रहा है नथिंग, उसका मतलब होता है कुछ नहीं। जस्ट नाउ मतलब होता है बस अभी, कोई नहीं बोलता जस्ट नाउ बस अभी। सिल डाउन मतलब शांत रहो। मूव बैक मतलब पीछे हटो। माय टर्न मतलब मेरी बारी, कोई बोलता है माय टर्न तो आप जो है क्या समझते हैं क्या बोल रहे हैं टर्न करके, तो होता है कि अब मेरी बारी आ गई। तो उसके बाद है नॉट हियर मतलब कि यहाँ नहीं। नॉट अगेन मतलब दोबारा नहीं। नॉट यू तुम नहीं। देखें नॉट का मतलब होता है नहीं, यू का मतलब होता है तुम, तो हमें सब्जेक्ट को पहले लेना होता है, इसलिए नॉट यू मतलब कि हिंदी में तुम नहीं। फिर दिस मच मतलब इतना ही। नो मोर और नहीं। नॉट येट मतलब अभी नहीं। सो एयरली इतना जल्दी। माई मिस्टेक मेरी गलती। सिंस लॉन्ग लंबे समय से। लेट गो मतलब कि जाने दो। कई लोग नहीं बोलते कि जाने दो जाने दो, तो उसमें आपको क्या बोलना है लेट गो मतलब जाने दो। शेम हेयर मतलब कि मुझे भी, कोई नहीं बोलता कि यार मेरे साथ भी ऐसा होता तो शेम हेयर। ऑल ऑफ यू मतलब हम सभी। बोथ ऑफ यू तुम दोनों। वी ऑल हम सभी। इट्स मी ये मैं हूँ। सेम हेयर मतलब मुझे भी। अवर हेयर यहाँ पर। ईयर्स एगो बहुत साल पहले। मैनी टाइम्स मतलब कि कई बार। सो नाइस मतलब बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम अगली बार। नथिंग इल्स और कुछ नहीं। ऑल अलोन मतलब कि बिल्कुल अकेले। देखिए अलोन मतलब होता है अकेला, तो ऑल बोल रहा है तो सभी, तो बिल्कुल अकेले ऑल अलोन। तो इस तरह से आप जो है आपका इंग्लिश कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो जाएगा और आप इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे। आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जब भी मैं इंग्लिश से रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज दूँ, क्योंकि धीरे धीरे मैं आप लोगों के इंग्लिश जो बात करने का है मीनिंग अभी मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को ट्रांसलेशन सभी चीज़ें अच्छे से एनालाइज करूँगा, फिर आप लोग इंग्लिश में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उसके लिए नोटिफिकेशन को और जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।